केमिकल में ही सबसे ज्यादा केमिकल होता है। वैक्सिंग हो रहा है, लाइट चालू है, तो वो डिस्टरबेंस वो बेड पे अगर किसी अच्छा, का फेशियल हो रहा है ओके, तो उसे वो डिस्टर्ब नहीं करे। ओके, स्किन अच्छी हेल्दी है तो आपको ज्यादा मसाज करने की भी जरूरत नहीं है। स्किन ओवर एक्टिवेट हो जाएगी तो नेक्स्ट डे आपको एक्ने बर्स्ट आउट हो जाएगा। बहुत कुछ होता है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें है, कोई पार्लर वाली बताती भी नहीं है, इनफैक्ट उनको पता ही नहीं होता है। ये है कि गोल्ड फेशियल, पर्ल फेशियल, डायमंड फेशियल हमारे यहाँ पर ही कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ पर मेडी फेशियल्स होते हैं, कस्टमाइज्ड फेशियल्स होते हैं, हमारे यहाँ पर मशीन ट्रीटमेंट्स होते हैं। सेक्शन है यहाँ पर सिर्फ हेयर रिलेटेड चीजें होती है। ओके, जैसे हेयर स्मूथनिंग, कटिंग, कैरेटिन, कलरिंग, हाईलाइट्स, बोटॉक्स, ये सब यहाँ पर। ओके, तो जो है ये ब्यूटी में सबसे हायर एजुकेशन है, मतलब उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं है ब्यूटी में। तो आपने ये इंडिया में किया? मैंने तो इंडिया में किया। तर वॅनिटी सलून नुसतं पार्लर नसून ब्युटी क्लिनिक आहे, आणि इथे यायचं असेल तर गोकुळेश्वर मंदिराच्या बरोबर समोर गिरीराज कॉम्प्लेक्समध्ये आहे, गोकुळ टाउनशिप, विरार वेस्टला। नमस्कार सर्वांना, वाव स्नेहल मध्ये मी स्नेहल तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। मी कधीच पार्लरला जात नाही, पण मला पार्लरला आणण्यासाठी मजबूर करणारी ही रचना आहे। हिची माझी ओळख 7-8 वर्षापूर्वी झाली। सहज म्हणून मी केस स्ट्रेटनिंग करायला हिच्याकडे आलेली होती आणि तेव्हापासून हिच्याशी माझं छान असं बॉन्डिंग जमलं। जरी मी पार्लरला आली नाही तरी आमच्यामध्ये एक असं छान कनेक्शन आहे। तर 5 वर्षापूर्वी हिने छान पार्लर चालू केलं तर मला आज इथे यायचा योग झालाय। आता आपण रचनाशी गप्पा मारूया। हाय रचना। हाय। हाय, तर तू आता मराठीत बोलू का इंग्लिशमध्ये? काय पण चालेल, बस मराठी माझा तुटला फुटला। ओके चालेल, हिंदी तर बोलते। तो रचना मुझे भी आप ये बताना कि ये जो पार्लर की शुरुआत आपने कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आई? बचपन से तो था ही कि ऐसा ही कुछ करना है, क्योंकि कैसा होता है ना, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि पार्लर है, ठीक है पार्लर ही तो है। हाँ, तो मैंने कुछ साल पार्लर ही चलाया, फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा पार्लर के जोन से थोड़ा बाहर आते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि इसमें भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एडवांस इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, तो थोड़ा खुद को अपग्रेड किया। अच्छा। स्किन में मैंने स्पेशलाइजेशन किया, जहाँ थैंक यू, तो स्किन में स्पेशलाइजेशन किया और हायर एजुकेशन लिया, एक साल पूरा पढ़ाई करके फिर थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट हम करते हैं, मोस्टली सारे एडवांस ट्रीटमेंट हम करते हैं, केमिकल पील्स हो गए, डर्मा रोलर्स हो गए, या फिर वेट लॉस ट्रीटमेंट है, बॉडी टोनिंग है, फेस टोनिंग है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। तो ये पूरा अपना लेडीज के लिए है ना? ये डेडिकेटली सिर्फ लेडीज के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है कि लेडीज के लिए इन्होंने बहुत सारी क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज रखी है। बहुत लेडीज का जो रूप है वो निखर आएगा। यस, है ना? यस, हम बदलना नहीं चाहते, एनहेंस करना चाहते हैं। और जनरली लेडीज क्या होती है, घर घर ऑफिस घर चूल्हा ये इसमें ही अटकी हुई रहती है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। तो मैं तो जरूर कहूंगी कि हर एक लेडीज ने अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने अपना जो चेहरा है, मन तो सुंदर रहता ही है लेडीज का, चेहरा भी सुंदर बनाएगी। हाँ, है ना? यस यस, थोड़ा रिलैक्सेशन। हाँ वही। तो रचना मुझे आप ये बताओ कि ये पार्लर की, अभी पार्लर तो हर गली में हर नुक्कड़ पे पार्लर है। हाँ। तो आपके यहाँ लेडीज आ रही है तो उसकी तो कुछ खास वजह होगी? होगी ना, वजह सबसे खास वजह तो स्पेशलिटी होगी। वजह सिर्फ इतनी है कि हम लेडीज को साफ सुथरा काम पसंद है, हाइजीन पसंद है, और ये सर्विस इंडस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट हैपेंस इज लोग इतना ध्यान नहीं देते हाइजीन मेंटेन करने में या सैनिटाइजेशन में, ये सब लोगों को आइडिया ही नहीं है, मतलब उनको ये सब चीज पता ही नहीं है। यस यस, वो लोगों को ये नहीं पता है, बट जो कर रहा है, मैं कर रही हूँ तो मुझे ये चीज पता है कि अच्छा इसको इस तरह से करना है, इससे हाइजीन मेंटेन होता है, किसी को किसी का एलर्जी होता है हर चीज का, तो उसकी हम स्पेशली ध्यान देते हैं उस स्पेसिफिक चीज में। सो वी आर नोन फॉर द हाइजीन दैट वी मेंटेन, हाइजीन के लिए हम जाने जाते हैं, क्लीनलीनेस के लिए जाने जाते हैं,
और बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कोई यहाँ पर आता है तो शायद वो नोटिस डेफिनेटली करेगा कि अच्छा ये तो हर जगह नहीं होता है। बराबर। जैसे वैक्सिंग भी होता है तो वैक्सिंग में भी वी फॉलो सर्टन रूल्स। ओके। हम पाउडर पफ यूज नहीं करते, वी जस्ट यूज द कॉटन एंड वी थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है। मतलब स्पेशली लेडीज के स्किन के लिए एक ही मोटो है ना, और यहाँ पर क्लीन होने आते हो तो क्लीन बराबर है। हाँ, तो वो जितने हाइजीन तरीके से अंदर से भी और बाहर से कुछ भी इंटरनल कुछ होना नहीं चाहिए, फिजिकल रिएक्शन कुछ होना नहीं चाहिए बॉडी को। हाँ, मतलब वो आपका मोटो बहुत अच्छा है। यस, मैं खुद पर्सनली ऐसा बिलीव करती हूँ यार, मैं जाती हूँ मुझे कुछ गंदा नहीं पसंद यार, किसी को भी नहीं पसंद। बहुत अच्छे विचार है आपके। तो आशा करती हूँ आपका ये वैनिटी सलून बहुत अच्छा से चले, अच्छी तरक्की करें। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चला आता ह्यांचं पार्लर जे आहे तिथे आता काय काय फॅसिलिटीज आपल्याला मिळतात आणि कशा कशा ते प्रोव्हाइड करतात ते आता आपण बघणार आहोत। यहाँ क्या क्या होता है? ये सिर्फ हेयर सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ हेयर रिलेटेड चीजें होती है। ओके। जैसे हेयर स्मूथनिंग, कटिंग, केराटिन, कलरिंग, हाइलाइट्स, बोटॉक्स, ये सब यहाँ पर। ओके। सो डेडिकेटली फॉर हेयर। ओके, तुम्ही बघू शकता म्हणजे काही ठिकाणी पार्लरमध्ये कसं एकाच सेक्शनमध्ये सगळं असतं, पण हिने स्पेशली असं वेगवेगळे सेक्शन केलेले आहेत की इथे फक्त हेअर ट्रीटमेंट केली जाते। हे काय आहे? हे स्टीम मशीन आहे। अच्छा, ओके। आणि हे हेअर वॉश। हेअर वॉश हे बघा, सगळे ब्रँडेड शॅम्पू आणि जे काही मटेरियल आहे यूज करतो ते सगळं ब्रँडेड वापरते। मी आली तेव्हापासून ना मला ह्या रूमचं एक असं अट्रॅक्शन होतं की नक्की ह्या रूममध्ये काय आहे, तर चला हे दाखवते ह्या रूममध्ये काय आहे। वाव, हे बघा आल्यावरच इतकं छान वाटतंय ना की असं रिलॅक्स झाल्यासारखं वाटतंय। जसं थाय मसाज मध्ये आपण येतो ना स्पा मध्ये तसं वाटतंय। ही लाइट्स थोडी सूदिंग करते। हे बघा, वाव, हे बघा सुंदर वाटतंय। इसमें अभी मुझे बताओ कि ये सेक्शन में क्या होता है? ये सेक्शन में मोस्टली वैक्सिंग हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, अच्छा, या फेशियल्स हो गए, तो ये मोस्टली ये पार्ट में होता है। जैसे कि दो बेड है, जैसे कि अगर यहाँ पर वैक्सिंग हो रहा है तो यहाँ पर वैक्सिंग हो रहा है, लाइट चालू है, तो वो डिस्टर्बेंस वो बेड पे अगर अच्छा अच्छा हो रहा है ओके, तो डिस्टर्ब नहीं करता। ओके, म्हणजे किती हिने छान असं प्रॉपर मॅनेज केलेलं आहे। इकडे लाईट चालू पण असेल ना, त्याचा काही संबंध तिकडे नाही। ओके, हे बघा एक हा बेड इथे आहे, जर इथे फेशियल किंवा काही करत असेल आणि जर इथे कोणी काही करत असेल तर त्याच्यावर त्याचा प्रकाश होणार पडणार नाही। ओके, आणि हे इथे फक्त सिटिंग अरेंजमेंट आहे क्लायंटला, हा वेटिंग साठी। हा, ओके, खूप छान असं वेल बोलतात ना, वेल ऑर्गनाइज तुझं सलोन आहे, छानच आहे। स्पास अगदी इथे फील येतो मला तर। हो ना, तो येईनच मी, नक्कीच येणार। ह्यांच्याकडे सगळे ब्रँडेड प्रोडक्ट्स यूज करतात, कुठे कॉम्प्रोमाइज करत नाहीत क्वालिटीमध्ये, तुम्ही बघू शकता। तिचं नाव आहे अर्चना आणि मी हिला रचना बोलते। पहिले से हा पहिल्या अगोदरपासून
मला हे रचनाच बोलायला का असं इझी वाटतं म्हणजे मी रचना बोलते. तर चला आता सगळ्यांसाठी मी एकदा तुला अर्चना बोलते. तर अर्चना मला सांग की तुम आपने जो ये स्टडीज किया है तो हायर स्टडीज कॉस्मेटिक्स में मतलब क्या होता है? हमें तो ये पता नहीं, हम तो अकाउंट्स वाले लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं. एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता था. कैसा होता है ना, हम छोटे छोटे सेमिनार्स अटेंड करते हैं ना, तब कहीं पर मुझे पता चला कि इसमें एक हायर एजुकेशन होता है जो कि होता है इंटरनेशनल डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी. तो कॉस्मेटोलॉजी का पढ़ाई तो हर जगह होता है, बट कॉस्मेटोलॉजी जो एक्चुअल हम पढ़ते हैं वो है सिडेस्को. सिडेस्को जो है ये ब्यूटी में सबसे हायर एजुकेशन है, मतलब उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं है ब्यूटी में. और वो सिर्फ स्पेशलाइज करती है स्किन में. जब मैंने पढ़ा था तब वो सिर्फ स्किन में स्पेशलाइज करते थे, बट अब वो मेकअप में और भी चीजों में है. तो ये 233 कंट्रीज में वैलिड सर्टिफिकेशन है. तो आपने ये इंडिया में किया? मैंने तो इंडिया में किया. अच्छा, हाँ. बट ये सारी कंट्रीज में होते हैं, बट वो सारी कंट्रीज में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ये कोर्सेस. तो अब्रॉड से लोग एक एक साल यहाँ पर पीजी में रह के ये कोर्स करते हैं. इनफैक्ट हमारे इंडिया से भी बहुत लोग अब्रॉड जाते हैं यही कोर्स करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए. बस वो मैंने इंडिया में रह के किया है. कोई जनरली करता नहीं है. नहीं करता. तो वो जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन आपने जो कॉस्मेटोलॉजी में किया, हाँ. तो उसका आपने क्या मतलब, यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनको आप कैसे ट्रीटमेंट वो यूज कर रहे हैं? देखो, उसमें सबसे पहला जो सिखाया जाता है ना वो हाइजीन ही सिखाया जाता है. वो मेन पार्ट. यस यस, मेन पार्ट के आपको ये हाइजीन मेंटेन करके काम करना है वो सिखाया जाता है. फिर आपको कैसे होता है, बहुत सारे सैलून में आपको बेसिक एक ये है कि गोल्ड फेशियल, पर्ल फेशियल, डायमंड फेशियल, हमारे यहाँ पर ये कुछ भी नहीं होता. अच्छा. हमारे यहाँ पर मेडी फेशियल्स होते हैं, कस्टमाइज्ड फेशियल्स होते हैं, हमारे यहाँ पर मशीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, एडवांस मशीन ट्रीटमेंट. मतलब जनरली हम बाकी के जो पार्लर्स में जनरली ये तीन टाइप के फेशियल देखते हैं. हाँ, फ्रूट फेशियल है. ये जो आपने बताया वो तो मैंने कभी नाम ही नहीं इनके सुने. अरे हाँ. मतलब मैंने ऐसे लोगों को मिली हूँ ना जो बोलते हैं कि मुझे सेंसिटिव स्किन है, हाँ. मैं सिर्फ फ्रूट फेशियल करती हूँ. हाँ. जबकि फ्रूट फेशियल में ही सबसे ज्यादा केमिकल होता है, जैसे कि उसमें फ्रेग्रेंस होती है, फ्रूट के फ्लेवर्स जो होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है और क्रीम होता है, सब कुछ, मतलब उसमें सब कुछ है, कलर है, सब कुछ है. आप ऑरेंज फेशियल कर रहे हो तो ऑरेंज क्रीम है, ऑरेंज कलर है, वो कलर मिलाया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा केमिकल है. अगर आपको फ्रूट फेशियल सूट करता है तो आपको सब सूट कर सकता है. अच्छा. सो सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन को फेशियल कैसे करना है, क्या करना है, मसाज कितना करना है, कितने मिनट करना है. जैसे हम स्क्रब लेते हैं, स्क्रब भी करते हैं तो स्क्रब भी लोग करते हैं, बट हर एक क्लेंजिंग करने का, स्क्रब करने का, फेशियल मसाज करने का एक टाइम लिमिट होता है. उससे ज्यादा करोगे तो स्किन हार्म, स्किन को हार्म हो सकता है. कभी बोलते हैं ना, अरे आपके यहाँ पर फेशियल किया मुझे पिंपल्स आ गए, रैश आ गया. रैश तो हार्श स्क्रब यूज करने से हो सकता है अगर सेंसिटिव स्किन है तो. बट अगर आपकी स्किन अच्छी हेल्दी है तो आपको ज्यादा मसाज करने की भी जरूरत नहीं है. स्किन ओवर एक्टिवेट हो जाएगी तो नेक्स्ट डे आपको एक्ने बर्स्ट आउट हो जाएगा. बहुत कुछ होता है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं. कोई पार्लर वाली बताती भी नहीं है. इनफैक्ट उनको पता पता ही नहीं होता है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब नॉलेज है और आपने ये नॉलेज लिया है बाय एजुकेशन से. यही एजुकेशन ही है, मतलब ये तभी आप कर सकते हो. मतलब आप एक बाउंड्री है जो पार्लर का, वो बाउंड्री क्रॉस करना. मैं तो बोलती हूँ पार्लर इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर अ वुमेन. एक अब एक घर घर में रहकर भी कर सकते हो, घर से बाहर निकल के भी कर सकते हो, बट उसको एक पैटर्न में करोगे तो कैसे होता है ना, हमारा हमारा खुद का सेटिस्फेक्शन होता है. मतलब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कुछ अच्छा किया. और एक रहता है ना कि आपको ये फील्ड की पैशन थी. यस. तो उसमें आप एकदम टॉप लेवल पे गए. हाँ. है ना. यस यस. सर्विस, संसार, सब लेडीज करते हैं, लेकिन पैशन के पीछे पागल होना, और उसको कम्प्लीट करना. नहीं, जब मैंने एक्चुअली ये पढ़ाई भी की थी ना तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे, क्या जरूरत है, कमा तो रही है ना पार्लर में.
बट वो कमाना और बोलते हैं ना थोड़ा दिल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। वो पैसे आ रहे थे पर वो खुशी नहीं थी कि यार मैं वही तो कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ वैसे तो ये बहुत मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि एक अलग ही मतलब ये क्या बोलते है तो वही फील्ड लेकिन उसमें एक टॉप लेवल मतलब बाकायदा प्योर मतलब पूरा एजुकेशन लेके उसमें आप लेडीज के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर बनी है ये और ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है कि चलो सिर्फ पैसा ही कमाना आपका मोटो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्लाइंट्स मतलब लोग अर्न करना है, रिस्पेक्ट अर्न करना है, एक ट्रस्ट होता है ना, लोग आते हैं तो वो एक ट्रस्ट से आते हैं, एक बार आए तो बार बार आने चाहिए, आते हैं मतलब वो लोग देख कर आते हैं, गूगल रिव्यूज पढ़ के आते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं। साइट है क्या? यस यस है ना, गूगल पे आप वैनिटी सैलून एंड ब्यूटी क्लिनिक डालोगे ना तो ये फिलहाल टॉप रेटेड ही है, मतलब हमने कहीं पर भी थैंक यू हमने कहीं पर जस्ट डायल में या मुझे पता है सबका सबसे पहला रिव्यू मैंने दिया था यस गूगल यस फेसबुक में भी आपने ही दिया था, तभी नया नया था और ये पहली ही बार आए थे है ना, तब से बस वो दोस्ती एकदम स्ट्रॉन्ग वाली हो गई है। और ऐसे नहीं कि हम डेली हमेशा मिलते हैं, अभी तो मैं कितने 5 साल के बाद आज मिले, बीच में एक दो बार मिले थे, तो बाबू भी है, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली पहले से था ना जॉब किया मैंने, मतलब 9 to 6 जॉब तो सब ही करते हैं, एक सबका वो तो रहता है कि चलो सवेरे उठना है काम करना है निकालना है शाम को जाके अपना सब करना है, लेकिन एक ये प्रोफेशन बोलेगा तो अपने को वी हैव टू मेंटली एंड फिजिकली 24 आवर्स उधर काम करना है पूरी तरह से, तो फिर ये कैसे मैनेज कर लेती? ये ऐसे मैनेज करती हूँ, एक तो कि बेबी छोटा है मेरा सिर्फ 5 साल का बच्चा है तो उसको मैनेज करना, फिर घर मैनेज करना, फिर ये मैनेज करना, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक तो फैमिली सपोर्ट होता है एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट, मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड मतलब फैमिली आपकी वेरी सपोर्टिव, मतलब वो है इसलिए मैं यहाँ पर आकर सब कर सकती हूँ, और यहाँ पर स्टाफ मतलब उसके लिए भी मैं ब्लेस्ड हूँ, आप गूगल रिव्यूज भी देखोगे ना तो मेरे साथ मेरे सारे स्टाफ की तारीफ हो रही है, बेस्ट मैं ये करती हूँ उनको ट्रेन करने के लिए कि उनको पहले 1 महीना से ट्रेन करती हूँ, भले वो कितने भी अच्छे हो कहीं से भी आए हो पर पहले उनको हमारा पैटर्न सिखाती हूँ काम करने का, और फिर उनको बोलती हूँ ठीक है अब तुम क्लाइंट करो, वो भी तब तक पहले 2-3 नॉन क्लाइंट्स देती हूँ, उनको क्लाइंट्स को भी बताती हूँ भाई मुझे इनका रिव्यू देना था कि मुझे पता चले इनको रखना है कि मतलब किसी को जमेगा नहीं जमेगा, क्योंकि कैसा होता है मैं सिखा देती हूँ स्टाफ वही फॉलो करे ये मुझे नहीं पता चलता है, ये आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो मुझे पता चलेगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रही है कि स्टाफ के साथ आप कस्टमर का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो पर्सनली इन्वॉल्व होके देखती है, कैसा होता है कभी मैं नहीं हूँ तो मेरा स्टाफ ही है वो नेसेसरी है ना, जो आ रहा है वो उन पे भरोसा भी करेगा क्योंकि मेरे बाद वो ही है करने वाले, तो इसीलिए जब मेरे 4 क्लाइंट्स बोलते हैं ना कि हाँ अच्छी करती है अभी ये बहुत अच्छा है, फिर मैं उनको फाइनलाइज करती हूँ कि ठीक है अब काम कर लेना है, या बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं हर चीज से और आप जैसे लोगों से भी। अर्चना अभी तुझे तो पता है कि मैं कुछ ना फेशियल करती हूँ ना कुछ करती हूँ, सिर्फ 5-5 साल में कभी स्ट्रेटनिंग करती हूँ या हेयर कट करती हूँ, तो अभी आप मुझे बताओ कि मेरे चेहरे के लिए क्या करना चाहिए, नाउ माय एज इज 58 रनिंग यस, तो आप वैसे ही खूबसूरत हो कुछ उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है आपके चेहरे पे, मतलब जो पिगमेंटेशन होता है ये एज थोड़ा सा ऐसा है हल्का सा पिगमेंटेशन है स्लाइटली मतलब रिंकल्स है फाइन लाइंस है और आपका थोड़ा सा ये लिफ्ट करने की जरूरत है एज के हिसाब से, तो हम इसमें वी कैन गो फॉर अ मशीन ट्रीटमेंट, तो ये होता है क्या लिफ्ट? हाँ हाँ होता है होता है, आपका फेस एक्चुअली जो झुर्रिया बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, हम सिर्फ मसाज करके फेस को टाइट नहीं कर सकते ठीक है, तो कभी कभी एक मशीन बिग इट प्लेज अ बिग रोल व्हेन यू डू अ मशीन, तो मशीन का काम क्या है आपके जो ये अनइवन जो रिंकल्स है फाइन लाइंस है ये है अनइवन स्किन टोन है तो इसको लिफ्ट करना टोन करना
ये मशीन का काम करता है। तो कुछ उससे साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको डायबिटीज या थायराइड नहीं है आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं। और अगर मैं करूंगी तो कितने मतलब महीने तक उसका इफेक्ट रहता है? उसका इफेक्ट लास्टिंग होता है। ओके, आप उसको अगर रेगुलर करोगे तो वो परमानेंट हो जाता है। बट आप पहली बार वो सिटिंग लेते हो ना तो आपको बिफोर एंड आफ्टर मतलब आधा फेस करने के बाद आपको डिफरेंस मेकआउट कर सकते हो कि ये फेस टोन हो गया है और ये बचा है। 15 मिनट्स में ही आपको वो डिफरेंस पता चलता है। मतलब कितना समय लगता है वो ट्रीटमेंट करने के लिए? एक घंटा। आप कब आ रहे हो? अभी बता, मुझे लगने वाला है तो क्यों ना आऊं। अच्छा, टाइम निकाल के आ जाओ। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी ग्लैड। मैं भी। और चलो, मैं बोलती हूँ कि अच्छा से अच्छा आपका पार्लर चले। थैंक यू। और ऐसे ही लोगों की क्या बोलते हैं, लोगों को खूबसूरत बनाए। थैंक यू सो मच। लोगों को, खास करके लेडीज लोगों को। yes, और कुछ बता रही थी ना, कुछ अभी यूनिसेक्स चालू करने वाले? हाँ, हम स्पेशली अब शुरू कर रहे हैं जो कि यूनिसेक्स यानी कि फॉर हिम एंड हर। हाँ, समझे। हिम एंड हर हम शुरू कर रहे हैं। ओनली फेशियल ट्रीटमेंट्स जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं फॉर मेंस एंड वेमेंस। तो फेशियल ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट्स हो गए, तो हम हेयर एक्सटेंशन करते हैं, हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट करते हैं, हमने लेजर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। तो ये सारा हम यूनिसेक्स में करते हैं। ओके, बहुत मतलब एडवांस एडवांस। यस 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 यस, एडवांस सारा। चलो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर दिस ब्यूटी एंड सलून, वैनिटी ब्यूटी एंड सलून। थैंक यू सो मच। तर मी नक्की या वॅनिटी सलॉन अँड ब्युटी क्लिनिकमध्ये फेस लिफ्टिंग करण्यासाठी जाणार आहे। तुम्ही देखील नक्की जा आणि स्वतःची ब्युटी अजून इन्हॅन्स करा। हिचे रेट्स देखील अगदी रिझनेबल आहेत, सर्वसामान्यांना परवडतील असेच आहेत। आणि मुख्य म्हणजे हिने सिडेस्को या चांगल्या रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटमधून कॉस्मॉटोलॉजिस्टमध्ये हायर एज्युकेशन घेतलेलं आहे, तर तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल। आजचा व्हिडिओ कसा झाला ते नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करा। बाय बाय।